हेलो एंड वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम समझेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, जो कि एसएल से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर कंट्रोल लैंग्वेज। बट इन प्रीवियस वीडियो बनाया मैंने, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, लेकिन उसका स्टेटमेंट क्या होता है तो समझ नहीं आ रहा है। समवन आस्क्ड मी ऑन मेल कि बाबा स्टेटमेंट आपने बताया नहीं कैसे एग्जीक्यूशन होता है, क्या होता है। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप जब भी वो एग्जांपल देखो तो उससे पहले ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्या कंडीशन है, कैसे सीक्वेंस, एग्जैक्टली इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें लिखा है द इफ एल्स स्टेटमेंट चेक द कंडीशन चेक करता है। लाइक हियर सिंटैक्स है उस इफ एल्स स्टेटमेंट का, क्या है इफ कंडीशन, क्या है कंडीशन ही कुछ भी, एक कंडीशन है कि मैंने जब तक मेरा जो टैब है, हमारा बाथरूम होता है, बाथरूम में एक टैब होता है नल बोलते हैं हम उसको, तो नल जब तक मैं जब तक स्टार्ट नहीं करूँगा, नल का जब तक स्टार्ट नहीं करूँगा तब तक मुझे पानी नहीं आएगा नल से, राइट। उसी तरह से यहाँ कंडीशन है नल वाला कि नल मैंने स्टार्ट कर दिया है, नल इज इक्वल टू वन जब होगा तो कंडीशन क्या होगी, एक मुझे पानी मिलेगा, एल्स मुझे क्या नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऑफ होगा, नल जीरो होगा तो मुझे क्या मिलेगा, नहीं पानी नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट है ये, सिंपल सा स्टेटमेंट है, यू कैन राइट अ सिंपल सिंपल, और ये रियलिस्टिक जो स्टेटमेंट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ में आए। बट हम ऐसे स्टेटमेंट जो है मैंने आपको बताया कि नल स्टार्ट कर रहा हो, एक एग्जांपल है, नल स्टार्ट कर रहा हो तो मेरा पानी आएगा नल से, नल ऑफ हो गया पानी जाएगा, मतलब एल्स सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, और एंड इफ एंड। तो इसमें यही किया है, क्या किया है, द इफ स्टेटमेंट चेक द कंडीशन एंड एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन ट्रू है मतलब नल स्टार्ट है तो मेरा कंडीशन वन स्टार्ट सेटिस्फाई होगा, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, मेरा नल मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैंने घुमाया नहीं है नल का, तो क्या होगा, इट विल एग्जीक्यूट द एल्स ब्लॉक, जो एल्स वाला ब्लॉक है कि मेरा पानी नहीं आएगा, सिंपल एज दैट। ये सिंटैक्स है इफ स्टेटमेंट वाला, और कंडीशन क्या होगा, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट वन एल्स स्टेटमेंट टू एंड एंड इफ, मतलब बहुत सिंपल सा होता है इफ एट कंडीशन। और ये जो प्रोग्राम मैंने आपको समझाया है तो वो भी आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया है। नेटवर्क टू में मैंने इफ एल्स वाला कंडीशन लिया है, तो क्या है, इफ लॉक इज इक्वल टू वन, लॉक जब वन होगा तो लॉक ट्रू होगा तो क्या होगा, मेरा ये डोर ओपन हो जाएगा, एल्स क्या होगा, डोर विल बी क्लोज ही रहेगा। तो ये मैंने एग्जांपल एग्जीक्यूट करके मेरे एक SCL1 में मैंने बताया इफ एट कंडीशन वाला, लेकिन मैं वहाँ पे स्टेटमेंट बताना भूल गया था। सो इस वीडियो में बस मैं स्टेटमेंट बताना चाह रहा हूँ आपको, तो दैट्स इट, मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा। और इफ़ यू वॉन्ट टू मैं इसको रन करके आपको ये भी बता सकता हूँ कि कैसे रन होता है, सो लेट्स ट्राई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टाइम लेता है ना एग्जीक्यूशन के लिए, इसलिए इसी तरीके से मैंने फॉर लूप भी बताया और फॉर लूप का स्टेटमेंट नहीं डाला है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और मैं जो फॉर लूप का स्टेटमेंट है फॉर डू लूप का, तो वो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूशन करके बताना चाहूंगा, सो आपको कुछ डाउट हो गए तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो ये अभी जो है मैं आपको बता दूंगा, सो विल गो ऑनलाइन एंड विल चेक द स्टेटमेंट इट इज रनिंग और नॉट, सो गो मॉनिटर मोड, नाउ वी आर इन मॉनिटर मोड। जब भी मैं ये जो है ट्रू वाला स्टेटमेंट मेरा, तो इसको मैं ओपन कर दूंगा तो क्या होना चाहिए, मेरा लॉक इज वन, और व्हेनेवर आई प्रेस ऑन ये जीरो करूँगा तो लॉक क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब डोर ऑफ हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट ये प्रोजेक्ट है मैंने जो इसमें एग्जीक्यूशन किया है। इसको आपको इसका मैंने SCL वाला DB बनाया, तो वो देखना चाहते तो वो भी बता देता हूँ, SCL वाला DB है। इसको हम स्प्लिट कर देते हैं जो DB और इसका, इसको वापस से मॉनिटर मोड पे लेके जाते हैं, इट इज़ ऑन मॉनिटर मोड ओनली, सो इसको मॉनिटर मोड पे लेते हैं एंड वी कैन चेक फ्रॉम हियर। जब मैं लॉक प्रेस कर रहा हूँ तो माई डोर इज
सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट वाला है जो कि मैंने सिंटेक्स और स्टेटमेंट के द्वारा आपको बताना चाहता था। सो प्लीज गो थ्रू अ वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस एग्जाम्पल वीडियो एंड स्टे ट्यून, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून।